लेता हूँ यार। तो दोस्तों यहाँ पास रॉकिंग डीजे लगा हुआ है और भाई बोल रहे हैं कि नवयुग दुर्गा उत्सव समिति का डीजे। भाई लोग समिति डीजे लगा हुआ देख सकते हो और बाकी सामने झांकी जो है वो खड़ी हुई है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा झांकी है और डीजे कौन सा यहाँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 13 तारीख और आज नवरात्रि का लास्ट डे है और आज बिलासपुर में झांकी निकलने वाली है। पिछले साल तो झांकी नहीं निकल पाई थी और इस साल झांकी का अनुमति दिया गया है सरकार के द्वारा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और बाकी अभी जो ब्लॉग डालूंगा वह छोटा सा ब्लॉग रहेगा। और आज के जो ब्लॉग में कौन कौन सी समिति के द्वारा झांकी निकाली जा रही है और कौन कौन सी समिति है जो झांकी में इस बार शामिल हो रही है, सभी अभी के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो लॉन्ग वीडियो रहता है, लॉन्ग वीडियो रहेगा वो सेकेंड पार्ट में आएगा और उसमें पूरा झांकी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से झांकियाँ निकल रही है और अभी माहौल कैसा है। बाकी अभी जो टाइमिंग है वो 7 बजा हुआ है, तो अभी चलते हैं हम लोग और देखते हैं माहौल कैसा रहेगा बिलासपुर का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बिलासपुर झांकी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ कंपनी गार्डन के पास और यहाँ पर जो पंडाल बना हुआ था उसकी माता रानी निकल चुकी है विसर्जन के लिए। मतलब यहाँ से भी झांकी जा रही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर झांकी खड़ा है। तो पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ बाकी। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं यहाँ पर झांकी बनकर तैयार हो चुकी है, बाकी लाइटिंग अभी बंद है सभी का। और सामने जो उधर पंडाल है उसमें से माता रानी बाहर आ चुकी है और गाड़ी में भी बैठा चुके हैं उसको विसर्जन के लिए और झांकी में ले जाने के लिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अभी झांकी के लिए तैयार हो चुका है। तो और नेक्स्ट जगह चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग हैं इमली पार वाले रोड में और यहाँ से भी माता रानी जाने के लिए तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं गाड़ी में माता रानी को चढ़ा दिया गया है। और बाकी अभी हम लोग निकलेंगे आगे मसानगंज और मध्य नगरी चौक और आगे देखेंगे कि आगे माहौल कैसा है। अभी तो अभी हम लोग आ चुके हैं मसानगंज के पास जहाँ पर चॉकलेट वाला थीम वाला पंडाल बना था। बाकी यहाँ झांकी के लिए तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं झांकियाँ खड़ी और जो माता रानी है वह भी बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर महामाया डीजे लगा हुआ है देख सकते हैं और बाकी जो माता रानी निकल चुकी है तो दिखाते हैं अपन। तो दोस्तों मसानगंज की जो माता रानी है वह निकल चुकी है देख सकते हैं विसर्जन के लिए और बाकी महामाया डीजे को लगाए हुए हैं भाई लोग यहाँ पास, भैया लोग मतलब झांकी के लिए। और बाकी अभी चलते हैं नेक्स्ट जगह और कहाँ पास से झांकियाँ निकल रही है। दोस्तों देख सकते हैं सामने खड़ी है मध्य नगरी चौक की जो माता रानी है उसका झांकी और यहाँ पर डीजे लगा हुआ है और सामने वहाँ पर देख सकते हैं जो झांकी है उसको। तो आगे चलो दोस्तों देख सकते हैं जाम लग चुका है यहाँ पास और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है क्योंकि हर साल यहाँ पास। और बाकी सामने यहाँ पास झांकी तैयार हो चुकी है देख सकते हैं जाने के लिए। तो आगे चलते हैं और आगे माता रानी का भी दर्शन करते हैं। बाकी झांकी देख सकते हैं बहुत खूबसूरत झांकी यहाँ पास बनाया गया है। तो दोस्तों अभी सभी समिति के द्वारा माता रानी को गाड़ी में चढ़ा दिया गया होगा और अभी हम लोग सभी समितियों को कवर करते हुए चलेंगे। अभी मध्यनगरी चौक है, अभी मध्यनगरी चौक के पास है। अब चलते हैं हम लोग गोल बाज़ार और उधर देखेंगे क्योंकि ऐसा माहौल है। तेलीपारा रोड उधर भी चलेंगे, बाकी वीडियो में बने रहना। हम लोग आ चुके हैं गोल पारा वाले लाइन में और यहाँ पर देख सकते हैं जो डीजे आकर यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। बाकी कौन सा डीजे है देखते हैं, आगे चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर समिति डीजे लगा हुआ है और बाकी आगे समिति में चलते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी अभी माता रानी को ट्रैक्टर में अभी चढ़ाया जा रहा है और बाकी यहाँ पर समिति में जो डीजे लगा है समृद्धि डीजे लगा हुआ है और बाकी यहाँ पर माता रानी को देख सकते हैं ट्रैक्टर में चढ़ाया जा रहा है अभी। और बाकी अभी नेक्स्ट जगह चलते हैं और बाकी जगह देखते हैं कि कैसा है माहौल। तो देख सकते हैं रोड को भी जाम कर दिया गया है क्योंकि अभी यहाँ से झांकी निकलने वाली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जगह। तो गोड़पाड़ा से सनिचरी बाजार वाली लाइन में 2 पंडाल बना हुआ था, जैसे पीछे पंडाल हम लोग देखें कि समृद्धि डीजे लगा हुआ है और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा डीजे लगा हुआ है और कौन सी झांकी यहाँ से है। तो बाकी देखते हैं, तो देख सकते हैं उसका डीजे खड़ा हुआ है और यहाँ पर और एक डीजे है और बाकी माता रानी को भी देखते हैं। डीजे तो अभी डीजे में और कुछ कुछ काम किया जा रहा है और बाकी यहाँ की माता रानी को भी अभी चढ़ाया जाएगा देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर सो रहा है हितेश, डीजे का चेकिंग देख सकते हैं, अभी लाइट वाइट और कुछ कुछ चेकिंग कर रहे होंगे सबसे हो, और अभी हो सकता है कि कुछ चेकिंग कर रहे होंगे, देख सकते हैं डीजे में जैसे लाइट को चालू करके देख रहे हैं। तो बाकी हितेश डीजे यहाँ पर लगा हुआ है, तो और आगे देखते हैं, और दोस्तों आगे यहाँ पर एक झांकी खड़ा हुआ है देख सकते हैं, तो झांकी कैसा है उसको देख सकते हैं। और बाकी अभी शनिश्चरी बाजार पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर एक झांकी है, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और कौन सी समिति के द्वारा क्या झांकी निकाला जा रहा है और कौन सा डीजे लगाया गया है। तो बाकी यहाँ का झांकी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं शनिश्चरी बाजार वाली लाइन में, और यहाँ पर और एक डीजे लगा हुआ देख सकते हैं, और बाकी सामने झांकी जो है वो खड़ी हुई है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा झांकी है और डीजे कौन सा यहाँ पर, बाकी जो लाइटिंग है देख सकते हैं साथ ही अभी ऑन हो चुका है, तो अभी तो टाइम है बाकी झांकी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी का झांकी है, और बाकी डीजे कौन सा उसको देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर रॉकिंग डीजे लगा हुआ है, और भाई बोल रहे हैं कि नवयुग दुर्गा उत्सव समिति का डीजे। भाई लोग समिति के सदस्य है ना, नवयुग दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य हो ना, तो भाई लोग समिति के सदस्य, और वहाँ की समिति के द्वारा रॉकिंग डीजे को लगाया गया, और भाई लोग का वहाँ पर झांकी वही है ना आप लोग का, तो हनुमान झांकी वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी खड़ा किया गया है डीजे को, और बाकी अभी सिटी साइड जाम हो जाएगा हनुमान भाई ना। अच्छा धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो भाई हमारा वीडियो भी देखते हैं बोल रहे हैं, भाई धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, सब्सक्राइब कर देंगे भैया। अरे धन्यवाद भाई। बाकी भाई लोग के समिति के द्वारा देख सकते हैं रॉकिंग डीजे लगाया गया है, और बाकी चलते हैं नेक्स्ट समिति के द्वारा कि कौन सा। पीछे हमने देखा है कि नवयुग दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा रॉकिंग डीजे को लगाया गया है, और बाकी हनुमान झांकी वहाँ पर खड़ी हुई थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं गोल बाजार के पास नवयुग दुर्गा उत्सव समिति के ही पास, और माता रानी को भी देखते हैं कि माता रानी निकल चुकी है कि नहीं पंडाल से, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं माता रानी जाने के लिए निकल चुकी है और ट्रॉली में चढ़ चुकी है देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जगह और देखेंगे कि कैसा माहौल है आगे। दोस्तों अभी हम लोग हैं तेलीपारा वाले लाइन में, और सामने देख सकते हैं वहाँ पर वाइब्रेशन डीजे खड़ा हुआ है, और बाकी कौन सी समिति के द्वारा है अभी तो पता नहीं, क्योंकि समिति के बाहर खड़ा है देख सकते हैं, मतलब पंडाल उस साइड है और बाकी दरबार लाज का पंडाल इस साइड है, बाकी वाइब्रेशन डीजे खड़ा है, तो बाद में पता चल जाएगा कि जो डीजे है कौन सी समिति के द्वारा लगाया गया है। बाकी आगे चलते हैं, और आगे माता रानी भी बाहर आ चुकी है देख सकते हैं पंडाल से। तो दोस्तों देख सकते हैं माता रानी झांकी के लिए जाने के लिए आपस बाहर आ चुकी है, और गाड़ी में माता रानी को बैठा दिया गया है, और बाकी देख सकते हैं जो पंडाल है उसका लाइटिंग निकाल दिया गया है, क्योंकि बड़े बड़े डीजे आएंगे, बड़े बड़े झांकी आएंगी, तो जो लाइटिंग रहती है ख़राब हो सकता है। और बाकी यहाँ की भी माता रानी देख सकते हैं बाहर आ चुकी है, तो जितने भी अभी समिति हैं सभी के द्वारा माता रानी को बाहर निकाल दिया गया है और गाड़ी में बैठा दिया गया है, और बाकी एक सामने झांकी खड़ी हुई है जो इसी समिति के दी का हो सकता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं झांकी को। अभी लाइटिंग किसी भी झांकी में स्टार्ट नहीं हुआ है ना, और सभी झांकियाँ खड़ी हो चुकी है पंडालों में, लेकिन अभी लाइटिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, और बाकी डीजे भी पीछे खड़ा है देख सकते हैं, तो कौन सा डीजे है उसको भी देखते हैं यहाँ। तो ये है बेस रानी, और यहाँ पर देख सकते हैं झांकी के रूप में यहाँ पर हनुमान जी है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी तेलीपारा वाले लाइन के लास्ट पंडाल में, और यहाँ भी माता रानी देख सकते हैं जो ट्रैली है ट्रैक्टर का उसमें फिट हो चुके हैं, और बाकी जो डीजे है वहाँ तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, जो बाकी माता रानी है वह जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी हम लोग हैं बस स्टैंड के पास, और यहाँ पर एक डीजे खड़ा हुआ है देख सकते हैं, कौन सा डीजे समझ नहीं आ रहा है। लोग हैं ज्वाली पुल के पास, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है, बहुत सारी समिति रहती हैं जो स्टेज बनाती है और अपने हिसाब से अवार्ड देती है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है देख सकते हैं। और बाकी अब सिटी कोतवाली वाले लाइन में है, तो अभी पूरा लाइन में अब स्टेज बना है, आपको नज़र आ जाएगा देख सकते हैं चारों साइड स्टेज बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्टेज है, यहाँ पर सामने है, तो सभी समिति रहती है जो स्टेज बनाकर अवार्ड देती है, तो देख सकते हैं। तो तैयार है बिलासपुर झांकी के लिए इस साल, तो एक साल बाद माहौल देखने को मिलेगा बिलासपुर में। पिछले साल तो माहौल नहीं था, डीजे पूरा प्रतिबंध था, धुमाल भी पूरा प्रतिबंध था, और इस साल देख सकते हैं यार, तो इस साल मज़ा आने वाला है। तो अगर वीडियो देखे हुए आप जल्दी अपलोड कर दूंगा हो सकेगा तो आप आ जाइए बिलासपुर झांकी देखने के लिए और इन्जॉयमेंट करने के लिए। बाकी भीड़ देख सकते हैं, अभी से भीड़ लग चुका है,
अभी जो टाइमिंग है वह 9 बज रहा है और बिलासपुर में झांकी का जो माहौल है 10 से 11 बजे के बाद ही देखने को मिलता है। और अभी सभी समिति के द्वारा माता रानी को पंडाल के बाहर निकाला जा रहा है और सभी समिति में लगभग जो डीजे है वह समिति के पास आकर खड़ी हो चुकी है, पंडाल के पास आकर खड़ी हो चुकी है। और मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सी समिति के द्वारा कौन कौन सा डीजे लगाया जा रहा है, कैसी झांकी निकाली जा रही है। तो अभी तो पूरा माहौल नहीं बना है, तो जब माहौल बन जाएगा 10-11 बजे के बाद तब आएंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखना और इस वाले वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और फिर वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और पूरा झांकी दिखाते हैं आपको बिलासपुर का।